उत्तराखंड का माहौल इन दिनों फिल्मी हो रखा है। द डार्क जंगल फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में जाने माने अभिनेताओं का उत्तराखंड आना जारी है। द डार्क जंगल फिल्म के डायरेक्टर राकेश सावंत, फिल्म एक्टर मिलिंद कुनाजी इन दिनों उत्तराखंड में है। फिल्मी कलाकारों से नेशन वन के संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, नेशन वन के दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरी बहन राखी सावंत जी का प्यार। और हम दोनों यहाँ पर आए हैं अपनी नई फिल्म शुरू करने के लिए। जो दोनों फिल्म कम्प्लीट हुई है, एक थी विश जो बहुत ही बेहतरीन बनी है, विश्रांति जो हमारी यहाँ पे रिजॉर्ट है जहाँ पर धोनी जी की सगाई हुई थी और शादी हुई थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएम साहब का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप आइए देहरादून में और यहाँ पे शूटिंग कीजिए। तो जब उन्होंने मुझे ये उत्साह दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि जब सीएम मेरे साथ है, यहाँ की पब्लिक मेरे साथ है, यहाँ के लोग मेरे साथ है, तो बॉम्बे से मैं अपनी पूरी टीम को लेकर आया हूँ। और बाकायदा आज पूरे 70 दिन हो गए हैं और पूरी फिल्म दोनों कंप्लीट हो चुकी है, विश और दूसरी है द डार्क जंगल। दोनों ही अलग तरीके की फिल्में हैं, एक टोटली एडवेंचरस है और एक टोटली थ्रिलर सस्पेंस है। अगर बात करी जाए उत्तराखंड देहरादून की, तो आप कितने समय से यहाँ पर हैं उत्तराखंड देहरादून में, ऐसा क्या कुछ दिखा आपको जो आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए? बेसिकली मैं उत्तराखंड देहरादून में जो शुरुआत हुई मेरी, मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ करीब 3 साल से लगातार। मैंने यहाँ पर करीब 4 फिल्में बनाई है। अभी अभी मेरी फिल्म बनी थी, आपने शायद सब लोगों ने देखी है, जिस पर मोदी जी ने और पूरी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो फुल सपोर्ट किया है कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर को, और ये जो धारा 370 जो हटाई गई उस पर मैंने फिल्म बनाई थी, मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर। वो फिल्म जो है बहुत ही प्यारी फिल्म है, मेरे दिल के करीब है। और उत्तराखंड में मैंने पूरा कश्मीर पिक्चराइज किया है, मीन्स आप समझिए कि जैसे उत्तरांचल में जैसे जैसे लोकेशन है मोरी, परोला, जकौल जो बेहतरीन कश्मीरी फेल उसके सामने, चोपटा, हर्षील, ये सारी लोकेशंस में मैंने ओरिजिनल कश्मीर को दिखाया क्योंकि कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैं कश्मीर में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया जो हिंदू मुस्लिम के बारे में जो बाकायदा किसी ने बताया नहीं। शिकारा जैसी फिल्म भी फ्लॉप हो गई मेरी फिल्म के सामने। आप मुद्दा 370 को देखिएगा और मेरी फिल्म जो है मुद्दा 370 और शिकारा को कंपेयर कर लीजिएगा। मैंने ओरिजिनल दिखाया है जो हुआ है, मैंने शिकारा के जैसा नहीं कि चापलूसी करना मुस्लिमों की, चापलूसी करना अंग्रेज़ों की और मेरे शॉर्ट्स यूज़ करके दुनिया को दिखाना कि आप मुस्लिम्स और हिंदू को क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने जो फिल्म बताई है एक सच्चाई, एक घटना पे फिल्म बनाई थी। तो मैं देहरादून में करीब 3-4 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, ये मेरी 5वीं फिल्म है देहरादून में कर रहा हूँ। मुझे सीएम साहब का इतना सपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, राकेश आप जितनी शूटिंग करना चाहते हो आप यहाँ पे करो, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में नहीं मिलती। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सीएम साहब का सपोर्ट है और मेरे प्रोड्यूसर का और मेरे आर्टिस्टों का, मेरे टेक्नीशियनों का और बहुत ही बेहतरीन देहरादून के आर्टिस्टों का। मैंने करीब 12 लड़के लड़कियों को मैंने चांस दिया इसमें और उभरते हुए कलाकार है आपके उत्तरांचल के, देहरादून के। बहुत जल्द ये फिल्म आप OTT प्लेटफॉर्म पर देखोगे, अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स पे। मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर में आपको ये फिल्म देखने मिल जाएगी। इट इज़ वंडरफुल फिल्म और शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, आपके जो चैनल है नेशन वन का, कि आप मेरी बात पूरे देहरादून, पूरे उत्तरांचल और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में फैलाए। और मुझे कुछ नहीं कहना। सर देहरादून आए हैं, किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे आपको देख करके? नहीं, मैं तो ये दूसरा शेड्यूल है मेरा और पहले शेड्यूल के लिए मैं आया था कुछ करीबन 1.5 महीना पहले जी। और यहाँ पे और दूसरा विश्रांति रिजॉर्ट है जी, जी। दोनों जगह पे शूटिंग की जी। मुझे तो उत्तराखंड पहले से पसंद है जी, पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ जी, मसूरी में काफ़ी बार आ चुका हूँ, नैनीताल में मैंने शूटिंग की है। तो मोस्टली उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पे मैंने किया। आशुतोष गोवारीकर जो एवरेस्ट सीरीज़ थी उसका पूरा शूटिंग उत्तरकाशी और वहाँ होता, तो मैं 2 महीने वहाँ रहा था। तो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, देवभूमि जिसको कहते हैं जी। और यहाँ के जो CM साहब हैं उनको, उन्होंने हमारी फिल्म की क्लैप दी थी, हमारे पुंदिर जी जो प्रोड्यूसर हैं, तो ये सब साथ में मिलके हमने जो पिक्चर की शुरुआत की वो CM साहब के यहाँ की थी, क्लैप उन्होंने दी थी जी। फिल्म का नाम विश और इसके डायरेक्टर है राकेश सावंत जी, उनके साथ भी मैंने कुछ फिल्में पहले की हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। और ओवरऑल यहाँ एक फ़ायदा ये है उत्तराखंड का कि यहाँ कहीं भी आप कैमरा रखो आपको लोकेशन मिल जाती है जी, जी, जो मैं बाकी जगह पे आपको ढूंढना पड़ता है कोई अच्छे सॉन्ग के लिए लोकेशन ढूंढो और किसी चीज़ के लिए लोकेशन ढूंढो, यहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे कश्मीर और हिमाचल है वैसे यहाँ पे भी कहीं भी आप कैमरा लगाओ वो माउंटेन्स और खूबसूरत बादल और सब नज़ारा है। मतलब बॉलीवुड के लिए मतलब बहुत सारे लोग डेफिनेटली यहाँ फिल्म्स करना चाहेंगे जी।
और मैं तो बहुत खुश हूँ। ओवरऑल पीपल ओवर हियर आर वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी हॉस्पिटेबल। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप दूसरे स्टेट में आए, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं हमको। सर, अभी आप देहरादून आए हैं, कौन सा आपका किरदार रहेगा इस फिल्म में? मेरा इसमें अगर मैं किरदार का पूरा कैरेक्टराइजेशन बताऊं तो अच्छा नहीं रहेगा फिल्म के लिए, लेकिन एक सेंट्रल कैरेक्टर है मेरा जी। एक आपका बोल सकते हैं जिसको जमींदार टाइप का ठाकुर है, मतलब बड़ा रोब वाला आदमी है जी। और वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको आखिर में सस्पेंस में पता चलेगा। सर, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपके दर्शक हैं, जो भी आपको दिल से जानते हैं, आपको नाम और चेहरे से पहचानते हैं, उनके लिए नेशन वन टीवी चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे हमारी फिल्में देखते रहिए। अभी ये फिल्म यहीं पे हुई है, मुझे लगता है काफ़ी कुछ आर्टिस्ट यहाँ के भी हैं जी, तो ये फिल्म तो ज़रूर देखिए जी। फिल्म का नाम है विश जी, और मुझे लगता है यू विल बी हैप्पी टू सी योर ओन स्टेट इन ब्यूटीफुल ऑन ब्यूटीफुल कैनवास और कुछ अच्छे आर्टिस्ट के साथ जी। तो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली थैंकफुल टू यू कि मुझे यहाँ बुलाया गया, रणधीर साहब ने यहाँ बुलाया और मुझे शूट करने का मौका दिया, धन्यवाद। नेशन वन के लिए देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।